हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग एक के व्हाइट वाले पोर्शन और येलो वाले पोर्शन, योग में क्या डिफरेंस है वो जानेंगे। आजकल सिर्फ एक व्हाइट का चलन है कि एक व्हाइट खाओ, पीला वाला हिस्सा खराब है, कोलेस्ट्रॉल है, फैट बढ़ जाता है, तो ज्यादातर लोग एक व्हाइट ही खा रहे हैं। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैटी कंटेंट में, और किसको कौन सा खाना चाहिए, या जो हम जानते हैं वो बात सही भी है कि नहीं। तो सबसे पहले एक एक की बात करते हैं। अगर मैं मीडियम या उससे थोड़ा सा बड़ा एक की बात करें तो अराउंड 72 कैलोरी होती है, और अगर उसको बनाया जाए, अगर उसमें कुछ तेल मसाला डाल दिया जाए तो बढ़ के 100 कैलोरी तक तो हो सकता है, जैसे कि एक आमलेट वगैरह में हो जाता है या भुर्जी बना लो। तो जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है उसमें एक तो कैलोरी कम होती है और दूसरा प्रोटीन ज्यादा होता है, राइट। कैलोरी कितनी होती है, जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है उसमें 17 कैलोरी होती है, और जो येलो वाला पोर्शन होता है उसमें 55 कैलोरी होती है। मतलब जो येलो वाला पोर्शन उसमें कैलोरी काफी ज्यादा है, इसलिए जिनको वजन कम करना है उनके लिए तो येलो वाला खराब है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, राइट। अब ऐसे ही प्रोटीन की बात करें तो एक एग में प्रोटीन लगभग 6.5 ग्राम होता है, उसमें से 4 ग्राम आता है व्हाइट वाले पोर्शन से, और बाकी का 2.5 ग्राम आता है वो पीले वाले पोर्शन से। तो ये समझ में आ गया कि जो सफेद वाला है उसमें प्रोटीन ज्यादा है और कैलोरी कम है, और जो पीला वाला पोर्शन है उसमें कैलोरी भी ज्यादा है और प्रोटीन कम है। तो इसका मतलब, क्लियर मतलब है कि सफेद वाला एक उसको खाना है जिसको अपना वजन कम करना है और सिर्फ प्रोटीन चाहिए, जैसा कि जिम में लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए करते हैं, राइट। तो ये तो बात हो गई सफेद और येलो के प्रोटीन के कंटेंट में। अब आगे की बात करते हैं, बहुत जो कम लोगों को पता होता है, जो पीला वाला हिस्सा होता है उसके अंदर बाकी की चीजें फिर रहती हैं। क्या है पीले वाले में, फैट है, फैट में कोलेस्ट्रॉल भी है और दूसरे भी फैट होते हैं। फैट एकदम से ऐसा नहीं है कि गड़बड़ है, फैट शरीर के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए, जो सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसके लिए चाहिए। लाइपोप्रोटीन्स होते हैं वो उसके लिए, कोलेस्ट्रॉल चाहिए, फैट चाहिए, और दूसरा उसमें फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, फोलिक एसिड होता है, और बायोटीन होता है जो हेयर के ग्रोथ के लिए चाहिए, अलावा कोलिन उसके होता अलावा है जो न्यूरल डेवलपमेंट के लिए चाहिए, प्रेगनेंसी लैक्टेशन में चाहिए। जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है, पर जो येलो वाला पोर्शन होता है उसमें थोड़ा सा प्रोटीन पर बाकी चीजें बहुत होती है। जो येलो वाला पोर्शन होता है उसमें एक एग में अराउंड 5 ग्राम के आसपास फैट होता है, और शरीर को फैट की भी जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि फैट आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, फैट एक तरह से एनर्जी का सोर्स है। हाँ, उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, या सेचुरेटेड हम बोल सकते हैं, बैड नहीं, सेचुरेटेड जो फैट है वो भी होता है, 5 ग्राम में अराउंड 1.6 ग्राम होता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खाया जा सकता है, इसलिए जिनको दिन में एक या दो खाना है वो पूरा एक खाना उनके लिए बेहतर होता है। और दूसरा, ऐसे लोग, अगर किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन की बीमारी है, पहले स्ट्रोक हो चुका है, हार्ट की प्रॉब्लम थी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, उनके लिए फिर पीला वाला पोर्शन हटा देना चाहिए, राइट। और जो येलो वाला पोर्शन होता है, योक वाला पोर्शन होता है, उसमें विटामिन और मिनरल सारे येलो वाले पोर्शन में होते हैं। तो जो सफेद वाला पोर्शन होता है उसमें सिर्फ प्रोटीन है और एक राइबोफ्लेविन विटामिन होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं, कोई फैट नहीं, कोई विटामिन नहीं, कोई मिनरल्स नहीं। लेकिन जो येलो वाला पोर्शन है उसमें थोड़ा सा प्रोटीन और ज्यादा फैट, लगभग 5 ग्राम के आसपास, कार्बोहाइड्रेट लगभग 0 के आसपास होता है, थोड़ा सा ही होता है, 0.38 ग्राम के आसपास, लेकिन उसमें विटामिन ए, डी, ई, के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है जो अलग अलग शरीर की जो रिएक्शन होती उसमें काम करते हैं। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, B12 है, फोलिक एसिड है, बायोटीन है जो आपके हेयर के लिए चाहिए, कोलिन है जो न्यूरल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा होता है। तो इस तरह की भी चीजें, और ट्रेस एलिमेंट्स में भी आयरन है, सिलीनियम है, फास्फोरस होता है जो शरीर के अलग अलग रिएक्शन में काम आता है। इसलिए येलो वाला जो पोर्शन है, योक वाला पोर्शन उतना भी खराब नहीं है। हमें समझ में आया कि एक अंडे का जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं, फैट या मिनरल्स, विटामिन, वो सारे पीले वाले हिस्से में रहते हैं, इसलिए जो कभी कभी खाता है उसको पूरा एक खाना चाहिए, होल एक खाना चाहिए। और जिसको सिर्फ अपनी मसल बिल्ड करनी है, कि वजन लूज करना है, कि हमें कम कैलोरी वाला खाना है, या तो उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, एलडीएल बढ़ा रहता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, दवाई चलती है, किडनी गड़बड़ है, डायबिटीज की दिक्कत है, या पहले लकवा स्ट्रोक की शिकायत है, उन लोगों को फिर पीला वाला पोषण नहीं खाना चाहिए। तो ये हमें समझ में आ गया कि
जो पीला वाला पोर्शन है उसका अलग इम्पोर्टेंस है और जो सफेद वाला पोर्शन है उसका अलग इम्पोर्टेंस है, दोनों मिला दो तब एक एक कंप्लीट फूड बनता है। इसलिए अगर किसी को सिर्फ वेट गेन करना है या अपना एनर्जी चाहिए कि मेरा शरीर मजबूत रहे, लिपिड वगैरह भी चाहिए, तो फिर उसको होल एक चाहिए। अब याद ये रखना है कि हमेशा एग में को कोशिश ये करें कि बॉयल करके ही खाएं, ज़्यादा तेल मसाला या भुर्जी फ्राई इसको अवॉइड करें, क्योंकि वो करने से फिर फैट का कंपोजिशन एकदम से बढ़ जाता है, राइट। सो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा कि जो पीला वाला एक योक और जो सफ़ेद वाला एक वाइट में क्या डिफरेंस है, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।